नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का शेयर है टचवुड। टचवुड के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज 17 दिसंबर सुबह के 11:30 बज रहे हैं, लाइव मार्केट ओपन है। टचवुड एंटरटेनमेंट लिमिटेड के अंदर जो अब मुझे लगता है जो गिरावट का फॉल था वो खत्म हो चुका है। अब इसमें जो टारगेट देने वाला हूँ, दो टारगेट दूंगा 10 से 15 दिन में, दोनों टारगेट छोड़ेंगे आने वाले टाइम पे। तो प्लीज़ इस टाइम पे जो निफ्टी पे अंदर गिरावट हो रही है, इस गिरावट से घबराना नहीं है। अच्छे शेयरों के अंदर आप बाय कर सकते हैं, ये मौका होता है अच्छे शेयरों में डिपेंड बाय करने का, ठीक है ना। जितनी गिरावट के समय में अच्छे शेयर गिरते हैं तो उनमें मौका होता है खरीदने का, फिर अपना कैपिटल का ग्रोथ के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो का पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, टचवुड इंटरटेनमेंट लिमिटेड के मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया। तो बेसिकली इनकी सर्विस क्या है, वर्किंग क्या है, ये देखिए, जो भी मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो भी आप देखते हैं, अब शादी फेस्टिवल आ चुका है, यानी सीजन चल रहा वेडिंग सीजन, तो वेडिंग सीजन के लिए काफ़ी चीज़ें प्लानिंग की जाती है। तो ये लोग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं इनकी सर्विस क्या क्या है। इनोवेशन एंड गिफ्टिंग, हॉस्पिटल एंड गिफ्ट, गेस्ट मैनेजमेंट, इंटरटेनमेंट, लॉजिस्टिक, डेस्टिनेशन एंड वेन्यू, ठीक है ना, फूड एंड बेवरेज, बजट मैनेजमेंट, डेकोरेट मैनेजमेंट, ये सब रिलेटेड किससे है, ये सारा इवेंट जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो भी कोई ओकेशन होता है, उसका फंक्शन होता है, उसके रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। अब आपको थोड़ा मोटा मोटा समझ आ गया, चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करता, चलते आप मोटा मोटा इसके अंदर, शेयर के अंदर चल के रहा उसको समझते हैं। तो देखिए, टचवुड का मैंने गूगल पर ओपन कर लिया। कंपनी कब से, 1979 से, तो ट्रस्टवर्दी कर सकते हैं हम कंपनी पे। कंपनी दिल्ली से ही है कंपनी, और NSE पे ही रजिस्टर्ड ओनली कंपनी NSE पे आपको मिलेगी टचवुड के नाम से। तो अभी ये 1.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। अभी जब मैं इसमें कॉल दे रहा था उस टाइम पे ये 120 के लेवल पे था, एकदम से इसमें तेजी आ गई क्योंकि इसमें अंदर वॉल्यूम के साथ बाइंग होने स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, आज ये ओपन होता है 125.05 रुपये पे हाई मारता है, 125.10 रुपये का लो मारा है, 120 रुपये का 52 हाई है इसका, 148 रुपये, 52 लो है 48 रुपये का। तो इसका ओवरव्यू एक अभी 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 5 दिन के अंदर अभी तक 0.78% पॉजिटिव में रिजल्ट दिए। 1 मंथ के अंदर अभी तक माइनस में दिया रिजल्ट 11% का। 6 मंथ के अंदर अभी तक 39% दिया पॉजिटिव में। अभी ईयर टू डेट के अंदर अभी तक 138% पॉजिटिव में रिटर्न दिया अभी तक इसने। अब समझते हैं इसकी शेयर होल्डिंग क्या है। देखिए, ये इंडिकेशन देख लिया अपन ने सब चीज़ें, अब इसकी थोड़ी शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो देखिए, शेयर होल्डिंग क्या है इसकी समझते हैं। देखिए, मैंने मनी कंट्रोल की साइट पे ओपन कर लिया। तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 69.84% एंड पब्लिक के पास है 30.17% इसमें पब्लिक के पास है। और इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इसका फाइनेंशियली थोड़ा और समझेंगे, क्योंकि देखिए न्यू शेयर है, किसी को बहुत कम लोगों ने एनालाइज करा होगा इसके बारे में। तो मुझे मैं तो भाई आपके लिए वही शेयर लाता हूँ जिसमें आपको कैपिटल ग्रोथ हो, और 90% तक अभी तक मेरी जितनी कॉल है सारी कॉल हिट गई है। आप लोगों का जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, उस तरह से मुझे मोटिवेट करता और न्यू कॉल देने के लिए। तो मैं आपके लिए एवरी टाइम और एवरी डे हर कॉल पॉसिबल कॉल वही दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियरी हो। तो प्लीज़ आप देखिए इसका टचवुड एंटरटेनमेंट लिमिटेड का, तो ये इसका मार्केट कैप है 124 करोड़ का। स्टॉक पी है 48.3 का। स्टॉक ROC ये 11% का। बुक वैल्यू 13 रुपये की है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.60% है। डिविडेंड अभी तक 0.10% दिया कंपनी ने। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के अंदर। प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा फ्री है। कंपनी क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है। डिविडेंड ने कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट मेंटेन रखा है, 17.18% मेंटेन रखा है। अब देखिए इसके अंदर सेल्स कितनी हुई है, इसके सितंबर क्वार्टर की बात करें तो इनके सितंबर क्वार्टर 2021 के अंदर इनके सेल थे 11 करोड़ रुपये की, एंड इनका ऑपरेशन प्रॉफिट आया था 0.83 लाख का, एंड इनको नेट प्रॉफिट आया था 0.72 लाख का, और EPS था इनका 0.71। और जून क्वार्टर से बात करेंगे, जून क्वार्टर में इनकी सेल थी 0.43। ये सेल इसलिए डाउन थी क्योंकि कोविड के चलते वेडिंग इवेंट नहीं होते, इस वजह से इनकी सेल डाउन हो गई। 43 लाख फिर भी करा था छोटा मोटा काम करके। तो देखिए, एक अच्छा इंडिकेशन है, जैसे ही कोविड अनलॉक हुआ वैसे उसके बाद से इनके सेल भी इजाफा देखने को मिली सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो देखिए, इनका EPS नेट प्रॉफिट था -0.47 और EPS था 0.46। वहीं ईयर ईयर वे देखेंगे तो इनके सेल थे सितंबर 2020 के अंदर 0.60। इनको EPS था 0.47। तो आप देख सकते हैं इनकी जो ग्रोथ देखने को मिली अब कई गुना बढ़ गई है। यानी कि पहले तो कंपनी लॉस में चली थी, लॉस से प्रॉफिट में, प्रॉफिट भी अच्छे प्रॉफिट में, 10 गुना प्रॉफिट में आई कंपनी। तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। 0.60 से घट के बढ़ के सीधा 11 करोड़ पर हो गया, यानी 60 लाख से बढ़ के सीधा 11 लाख का हो गया इनका। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। क्वार्टर वाइज देखेंगे, ईयर वाइज देखेंगे तो भी इनका रेवेन्यू सेल में ग्रोथ देखने को मिली, EPS में ग्रोथ देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, इसलिए कंपनी कर्जा फ्री हो चुकी है। कंपनी कर्जा के साथ साथ अपना
क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे दे रही है। अब थर्ड क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आएंगे उसमें अभी अच्छे अच्छी खासी इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। अब चलते इसके अंदर, मैंने टिकट टाइप के साइट ओपन कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए इंटरटेनमेंट की एडवर्टीजमेंट की कंपनी मैंने आपको पहले बताया था, कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर है। बाकी देखिए ई रिवाई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब समझते इसके अंदर चल क्या रहा है वो देखते हैं। इसका क्वार्टर इसका मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया, डेली चार्ट पे देखिए किस तरह से इंडिकेशन दिख रहा है। तो देखिए डेली चार्ट पे देखिए किस तरह से ये अपर से डाउनफॉल जा रहा है, ये लोअर से अपर डाउन जा रहा है। ये देखिए किस तरह से करेक्टिव होकर चल रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस मूविंग दूसरों क्रॉस करेंगे तो इसमें न्यू हाइस देखने को मिलेंगे। देखिए गिरावट के बाद फिर से ये आज बेरिस हैमर कैंडल बनेगा तैयार है। मेरे को लगता है बेरिस शूटर भी बन सकता है आज के दिन में। तो बेरिस शूटर का बेरिस हैमर का मतलब है गिरावट खत्म होने का वो होते हैं। तो ये देखिए बेरिस हैमर जब बन रहा है तो इसमें आप अच्छे खासे इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए क्रॉस मूव होने को तैयार है, यानी 150 दिन के 100 डेज के एवरेज मूव को भी 7 डेज के एवरेज क्रॉस मूविंग करेगी। और देखिए MACD भी अप ट्रेंडिंग स्लाइडली क्रॉस करेगी। तो RSI भी अभी 50 के अबव चल रही है, यानी 55 के पास जाने वाली है। तो इंडिकेशन क्या है, तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस रखना है 118 रुपये का, क्योंकि स्कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे हम, क्योंकि स्कैंडल के नीचे नहीं गया लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो हम स्कैंडल का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। तो पहला टारगेट यहाँ से जो मेरा आता है, तो पहला टारगेट मेरा यहाँ से 130 का है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये कैंडल 134 तक की। तो ये जो कैंडल पे ये अभी ट्रेड करा है इसी कैंडल पे, देखिए इस कैंडल के आज के दिन पे लो मारा, इस कैंडल के ऊपर पूरा कवर करेगा, इस कैंडल के पर ट्रेड करा शेयर इस कैंडल के साथ ही, इस कैंडल को सपोर्ट लेके चल रहा है। देखिए इसका जो लो है वो 120 का ही है, तो इस लो पे चल रहा है आज का लो, इसका जो कैंडल के बीच में चला चुका है। ये कैंडल है 134 तक के, तो यहीं से मेरा पहला टारगेट आएगा 130 का। दूसरा टारगेट है मेरा 134 रुपये का, पहला टारगेट मेरा 130 का, दूसरा टारगेट 134 का। दो टारगेट है बाकी पर्सनल होल्डर के। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।